दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक किंजरे में कैद तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है।